पर यहाँ आकर के राधा राधा रटती हो। अब सासू अम्मा को भी देख देख के खून जरे की बारी, करम जली जहाँ आएंगे तो खूब राधा राधा कह रही है। घर में हमें कभी एक गिलास पानी नहीं दियो, पर करें क्या? अब सासू मैया ही 24 घंटा गारी दे में तो सब बहू रानी भी कहा करें, वो भी चिढ़ जाती, जाओ कड़ी खाई नहीं देते तो हम मर जाओ। सुनिए के घर में ही मंदिर बनाऊंगी, बाहर घूमे ना जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी। सासू को गौरा ससुर जी को शंकर, सासू को गौरा ससुर जी को शंकर, और पति को विष्णु बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी। नंदी को दुर्गा बना करके पूजा करूंगी घर में, और जेठानी की तुलसी जी बना करके पूजा करूंगी। पर महाराज उल्टा जाता है, कभी कभी नंदी को दुर्गा बनाने की कोशिश करती है और नंदी तुरंत इच्छा काली और चंडी का भेष धारण कर ले, पर होशियार मेरी त्रिशूल लेके भी आ सकती है। के नंदी को दुर्गा जेठानी को तुलसा, नंदी को दुर्गा जेठानी को तुलसा, देवरानी को देवी बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी। श्री राधे बनाऊंगी, और पूजा की थाली सजाऊंगी, घर से बाहर ना जाऊंगी, मैं पूजा की थाली सजाऊंगी, घर से बाहर ना जाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी।
भक्ति का दीपक जलाए के, ज्ञान भक्ति का दीपक जलाए के। और क्या करने होगी? अब इतनी बात बताओ कि ये काम करेगी कौन कौन? कौन कौन अपनी सासू माँ को गौरा बनाएगी, ससुर जी को शंकर जी मानेगी और पति देव को विष्णु मानेगी? अच्छा एक बात सच्ची बताओ, कहते हैं पति परमेश्वर के समान होता है, कितनी मैया अपने अपने पति देव के चरण स्पर्श करती है प्रतिदिन उठकर के, रोजाना? ठीक से उठाओ, ठीक से उठाओ और उठाओ, चलो इतनी करती है, सच्ची बोलना। अच्छा बाकी क्यों नहीं करती? पक्की ना, झूठ तो नहीं बोल रही ना, करती है? तुम तो करती होगी, तुम्हारी तो मानेंगे। हाँ तुम्हारे पति देव दरोगा जी जो है, नहीं करो तो तमंचे बट इसको, तुम्हें तो चरण स्पर्श करने हैं, पर जो नहीं करती क्यों नहीं करती? अब जरा एक बारी हाथ उठाओ जो कल से अपने पति के चरण स्पर्श करके आना शुरू करेगी। बाजी बा हरिओम। माने तुम कल से चरण स्पर्श नहीं करोगे? अच्छा एक बड़े काम की बात बताऊं, पति के चरण स्पर्श करने से होता क्या है, एक फायदा बताऊं आपको। पति के चरण स्पर्श करने से प्रेम बढ़ता है, रिश्ते अच्छे होते हैं। जा दिन पति देव ज्यादा गुस्सा हो जावे ना, बाद दिन जोर से कस के पांव पकड़ लो, छोड़ो ही मत, कहे तुम मार लो ज्यादा गुस्सा है, पर गुस्सा मत हो, देखो दो मिनट में गुस्सा शांत। अपन आपको ऐसा नहीं करना है ना कि पत्नी नाराज हो जाए तो आप पैर पकड़ लोगे, तुम्हें गुस्सा नहीं होना, हमें ऐसा नहीं करना। एक बड़ी अच्छी मुझे बात याद आ गई, पर उससे पहले एक बारी झूम लो फिर आपको कथा सुनाऊंगा। दोनों हाथ उठा कर बिल्कुल सीधे करके तालियों के साथ, के घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, कभी बाहर ना जाऊंगी। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी राजा बन गए, ठीक अभी सुनिए एक